और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां नगरोटा में सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस ने हाईवे पर एक ट्रक को रोका। इसके बाद ट्रक में छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। गोलियों के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट पूरी खबर पर? सुनील, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे इस पूरी खबर पर क्या अपडेट। 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं सुरक्षा बलों ने। तो ये देखिए, आपको ट्रक के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है जो कि जब टोल से गुजर रहा था उस वक्त पुलिस को संदेह हुआ, वहां पर जो सुरक्षा बल थे उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने जब पूछताछ शुरू की तो इस ट्रक के अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया था और ये लोग आर्मी के कपड़ों में थे। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल इस पूरी खबर पर क्या अपडेट? 3 आतंकी मारे गए हैं, क्या और भी आतंकी होने की आशंका है? अभी तक जो अपडेट है, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और एक आतंकी अभी भी जंगल के इलाके में छिपा हुआ है और एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से ये सक्षम है और उनका कहना है कि वो जल्दी उस बचे हुए आतंकवादी का खात्मा भी जल्दी कर देंगे। लेकिन श्वेता, जो इसमें बात यह है कि बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रक है ये आटे की बोरियां इस ट्रक में थी और बीच में एक रिक्त स्थान रखा गया था और उसके बीच में ही वो आतंकी छिपे थे। 4 आतंकवादी छिपे थे, खूंखार आतंकवादी थे, हथियारों से लैस थे, काफी मात्रा में गोला बारूद और AK-47 राइफलें थी इनके पास। और जैसे ही ट्रक को रोका गया बन टोल प्लाजा के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गो तस्करी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोसीजर के तहत ट्रकों को रोका जाता है, तलाशी अभियान किया जाता है। तो उसी तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही ट्रक को रोका गया, अचानक वहां से जो छिपे हुए आतंकवादी थे ट्रक में, उन्होंने पुलिस कर्मियों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गया और तुरंत उसके बाद जो है सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और आतंकवादियों पर जवाबी फायरिंग की। और जैसे आतंकवादियों को लगा कि उनका बचना मुश्किल है तो जंगल की तरफ भाग गए और उसके बाद सेना की तरफ से टीमें आई, पुलिस की तरफ। बिल्कुल, तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि एक अभी जंगल में छिपा हुआ है जिसकी तलाश की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया में गोलीकांड खिलाफ पुलिस मुख्यालय पर जमे छात्रों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया है। पुलिस और गोलीकांड के खिलाफ रात भर लोग वहां जमे रहे, लेकिन आज सुबह पुलिस ने इन्हें सख्ती के साथ धरना शुरू कर दिया। पहले तो इन्हें पकड़कर खींचकर वहां से हटाया गया और बसों में बैठाया गया, दूसरे थानों का रास्ता दिखा दिया गया। जामिया इलाके में गोलीकांड को लेकर रात भर हंगामा मचता रहा। आपको बता दें, आज ही गोलीकांड के आरोपी की कोर्ट में पेशी होनी है। आरोपी का नाम गोपाल है और वो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। आपको बता दें कि कल जामिया के छात्र मार्च निकालने वाले थे, जामिया से राजघाट उन्हें जाना था, जिसकी दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तू-तू मैं-मैं चल रही थी, तभी एक शख्स बीच में निकला और उसने गोली वहां पर चला दी, फायर कर दिया, जिसमें जामिया के एक छात्र को हाथ में गोली भी लगी जो कि इस वक्त एम्स में भर्ती है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर बीती रात भर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जामिया के छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया। वो वहां पर धरने पर बैठ गए, उनकी कई मांगे थी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी थी और आज सुबह उन्हें दिल्ली पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से हटाकर दूसरी जगह वो ले गए। दिल्ली के दंगल में शाहीन बाग पर जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के बीच वार पलटवार चल रहा है, क्योंकि यह चुनाव अब कोई दो पार्टी दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की सीमाओं का उल्लंघन होता है, देश के जवानों पर हमले होते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब। और दूसरी ओर राहुल बाबा केजरीवाल एंड कंपनी है जो आज भी कह रहे हैं कि वी आर विद शाहीन बाग। मुझे बताओ आर के पुरम वालों, ये शाहीन बाग कोई घटना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। आपने देश की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। और अब बात संसद के सत्र की। अब से थोड़ी देर बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज आर्थिक सर्वे पेश होगा और कल बजट। सर्वे की कॉपियां सदन में लाई जा चुकी हैं। तो उधर विपक्ष सुबह सुबह ही बता चुका है कि सदन में उसका आक्रोश किस कदर गरजने वाला है। नागरिकता कानून के खिलाफ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष ने प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। देखिए दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आर्थिक सर्वे की कॉपियां पहुंच चुकी है संसद परिसर में और दूसरी तरफ विपक्ष किस तरह से बैनर पोस्टर लिए और काली पट्टी बांधकर गांधी प्रतिमा के पास यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। अरे हिंसा फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंसा की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान पे आक्रमण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मोदी सरकार हो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूट, अरे किसानों को मदद। और निर्भया मामले की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई 11:30 बजे होगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है। दोषियों की तरफ से कल की फांसी को रद्द करने की मांग की गई है। इस बीच दोषी विनय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है और उसके आधार पर डेथ वारंट रद्द करने की मांग की है। देखिए जो भी उनका जवाब होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि कल 1 फरवरी है, कल उनको फांसी होगी। एक की मर्सी पेंडिंग है, एक की है, तीनों की नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी।